बीजेपी में टिकटों को लेकर माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। विधायक बनने की आस रखने वाले नेता पार्टी कार्यालय का चक्कर लगाने लगे हैं और वही पार्टी के वरिष्ठ नेता आज भी मंथन का दौर चलाएंगे। संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। हर सीट पर बीजेपी के टिकट के दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी को अपनों से ही खतरा है। हटिया, बरही, लोहरदगा, बहरागोड़ा, लातेहार, सिमरिया, तमाड़, सारठ, गुमला, सिसई, बहरागोड़ा, चंदन क्यारी ऐसी सीट है जहां खूब माथापच्ची है। हटिया से जेवीएम की टिकट पर जीतने वाले नवीन जायसवाल अब बीजेपी में हैं। यहां से बीजेपी ने सीमा शर्मा को मैदान में उतारा था, अब एक बार फिर से सीमा शर्मा की नजर हटिया पर है। बहरागोड़ा से जेएमएम के सिंबल पर जीतने वाले कुणाल चाडंगी भी अब भगवा हो चुके हैं। बहरागोड़ा बीजेपी के पास समस्या ये है कि पिछले चुनाव में हारने वाले दिनेश आनंद गोस्वामी और तीसरे नंबर पर रहने वाले समीर मोहंती सभी इसी दल में हैं। लातेहार के जेवीएम विधायक प्रकाश राम ने भी दल बदला है। यहां से बीजेपी के बैद्यनाथ राम अब क्या करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चंदन क्यारी से जेवीएम से विधायक अमर कुमार बावरी रघुवर सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने आजसू के उमाकांत रजक को हराया था। अब अगर गठबंधन हुआ तो आजसू ये सीट छोड़ेगा मुश्किल ही लग रहा है। लोहरदगा के कांग्रेस विधायक सुखदेव भगत भी बीजेपी में हैं और यहां भी हालत चंदन क्यारी वाली ही है। आजसू के भगत दो बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी पत्नी को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। तमाड़ सीट के आजसू विधायक अब जेएमएम में हैं। अब इस सीट पर बीजेपी और आजसू दोनों की ही दावेदारी मजबूत है। इन सब के अलावा भी कई सीटें हैं जिस पर उम्मीदवार तय करता बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि पार्टी के पास पहले से अपने नेता हैं, तो वहीं बीजेपी में दोनों दरवाजे खोल दूसरे दलों के नेताओं का पार्टी में आना भी शामिल हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अविनाश फोनलाइन पर है। अविनाश, बीजेपी के लिए ज्यादा मच्छी माथापच्ची है क्योंकि बीजेपी में अपने नेता तो है ही, लेकिन जो दूसरे दल से नेता आए हैं कहीं ना कहीं टिकट की आस में है, तो टिकट को लेकर जो दावेदारी है वो ज्यादा देखने को मिलेगी, माथापच्ची ज्यादा देखने को मिलेगी बीजेपी में। जरूर आता, और अगर आप देखें 2014 के चुनाव के बाद से अगर हम बात करें तो अब तक बीजेपी में दल बदल करने वाले विधायकों की संख्या करीब 12 के करीब पहुंच गई है। और दूसरे वैसे विधानसभा क्षेत्र जहां से दूसरे दलों से बीजेपी का दामन थामने वाले कद्दावर नेता की अगर हम बात करें या फिर टिकट के मजबूत दावेदारों की बात करें, उनकी भी संख्या 20 के करीब है। ऐसे में अगर आप देखें 32 सीटें ऐसी हैं जहां दल बदलुओं के कारण अपनों को खतरा दिखता है। बीजेपी जिस तरह से तैयारी कर रही है, बीजेपी को जैसा लगता है, बीजेपी जिस जिताऊ उम्मीदवार को लेकर लगातार मंथन कर रही है, वो रास्ता इतना आसान नहीं है, क्योंकि टिकट के बंटवारे पर सबसे बड़ी चुनौती का अगर सामना किसी भी दल को करना है, उसमें से एक दल बीजेपी है, और सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी को टिकट बंटवारे में होने जा रही है। कल जिस तरह से चुनाव समिति की बैठक हुई थी, ये आप कह सकती हैं कि एक औपचारिक रूप से बहुत ज्यादा देर नहीं, आधे घंटे की ये बैठक हुई, और इसमें टिकट को लेकर या किसी सीट को लेकर बहुत ज्यादा कोई चर्चा नहीं हुई है जो जानकारी बीजेपी के नेताओं के द्वारा दी गई। हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहती है, जो विपक्ष की रणनीति है, विपक्ष की एकता पर बीजेपी की क्या रणनीति हो सकती है, इस बाबत जरूर बैठक में चर्चा हुई, लेकिन विधानसभा सीट या उम्मीदवार को लेकर अभी चर्चा होनी बाकी है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है, चूंकि झारखंड में पार्टी के बहुत सारे बड़े नेता इस वक्त अगर दिल्ली से लेकर हम झारखंड तक की बात करें तो तमाम नेता राजधानी रांची में हैं, इसलिए उनके साथ एक बैठक हो सकती है। आज दोपहर में जरूर पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे। कल उम्मीद की जा रही है कि 6 नवंबर को चुनाव समिति की फिर से एक बैठक हो सकती है, क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं कि 7 नवंबर को दिल्ली में एक बैठक होनी है झारखंड। सहयोगी से संपर्क हमारा टूट गया है। बीजेपी के लिए माथापच्ची इसलिए भी है क्योंकि अपने नेता जो टिकट की आस में लगातार काम कर रहे थे क्षेत्र में, अब चूंकि दूसरे दल के जो नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं इसी उम्मीद के साथ कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी। कई सीटें हैं जिस पर माथापच्ची होनी है बीजेपी की। हटिया, बरही, लोहरदगा, बहरागोड़ा, लातेहार, सिमरिया, तमाड़,
सारठ, गुमला से सही बहरागोड़ा, चंदन क्यारी कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है बीजेपी को। वहीं बहरागोड़ा की अगर बात करें, बीजेपी के पास समस्या यह है कि पिछले चुनाव में हारने वाले दिनेशानंद गोस्वामी और तीसरे नंबर पर रहने वाले समीर मोहंती बीजेपी में हैं, और अब जेएमएम के सिंबल पर जीतने वाले कुणाल चाडंगी ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। समीर मोहंती की बात करें, लोगों से फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं, अगर इन्हें टिकट नहीं मिलता है तो ये कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं।